हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चंद्रा केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। मैंने सीरीज शुरू की थी एनसीईआरटी की, लेकिन बीच में दिवाली की छुट्टी हो जाने से वीडियोस नहीं बन पाए। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछला जो मैंने वीडियो डाला था एनसीईआरटी पे बेस्ड, उसमें मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बता दिया था विथ नोट्स, ओके। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस कर दिया था, इनके ऊपर बेस्ड चार्ज, इनकी मास और प्रोटॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट मैंने थॉमसन मॉडल को डिस्कस कर दिया था, रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को भी डील कर दिया था। हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज योर Z एंड मास नंबर इज योर A, और मैंने इसका रिलेशन भी बता दिया था, A इक्वल्स टू P प्लस L। यहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। जो अगला डिस्कशन है वो हमारा है बोर्स मॉडल। होप आपको याद होगा, अगर ये याद नहीं तो गो फॉर माय प्रीवियस वीडियो, आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी वहां पर। जो हमारा नेक्स्ट कंसर्न है वो है बोर्स मॉडल, कि बोर्स में आखिर में क्या बताया गया है। तो देखो, जो बोर्स मॉडल है वो मेनली बेस्ड है इस बात पे कि अगर हम किसी सब्सटेंस को रेडिएशंस दे रहे हैं तो वहां पे क्या चेंजिंग आ रहे हैं। सिंपली बोर्स मॉडल पढ़ने से पहले आपको दो तीन बातों की जानकारी होगी, होनी चाहिए। पहली जानकारी आपको होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। दूसरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर किसी सब्सटेंस पर हमने रेडिएशंस दिए तो वहां क्या क्या हो सकता है। ये अगर आपको समझ होगी तो आपको बोर्स मॉडल बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, और आप रेडबर्ग कांस्टेंट को यूज करके एनर्जी का वैल्यू भी आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो बोर्स मॉडल में जाने से पहले सबसे पहली बात कि अगर किसी सब्सटेंस को हमने एनर्जी दी तो क्या होगा। एनर्जी, एनर्जी मीन टू से रेडिएशंस। तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को रेडिएशन दोगे तो वहां पर दो ही फेनोमेना हो सकती है, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन होगा। आइदर देयर विल बी एब्जॉर्प्शन और एमिशन, और एब्जॉर्प्शन आफ्टर एमिशन, और एमिशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ये ही फेनोमेना हो सकती है अगर हमने कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोवाइड कराया तो, या फिर हीट प्रोवाइड कराया तो, या फिर रेडिएशन प्रोवाइड कराया तो। तो मेरी सारी बात घूम फिर के कहां पे आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी कि नेक्स्ट हमारा कंसर्न बोर्स मॉडल को पढ़ने से पहले है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका सीक्वेंस की जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज किस तरह से और इनकी एनर्जी कैसे एस्टैब्लिश होती है। तो चलो हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसको याद रखने के लिए आपको एक सीक्वेंस याद रखनी होगी, दैट इज योर गामा एक्स यू भी, गामा एक्स यू भी इन माइक रेड। आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि गामा एक्स, दिस इज योर यूवी अल्ट्रावायलेट एंड दिस इज विजिबल, गामा एक्स यूवी में, एक्स यूवी में बैठकर माइक रोड में घूम रहा है, गामा एक्स यूवी इन माइक रेड, रेड को आप रोड पढ़ लो, गामा एक्स यूवी में बैठकर, गामा एक्स यूवी इन माइक रेड, एक्स यूवी में बैठकर माइक रेड में रोड में घूम रहा, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, गामा एक्स यूवी इन माइक रेड, गामा एक्स यूवी इन माइक रेड, ठीक है। अब इसका डिटेल कर लेते हैं, गामा फॉर गामा रेस, एक्स फॉर एक्स रेस, यूवी फॉर अल्ट्रावायलेट एंड वी फॉर विजिबल रेडिएशंस,
आईआर, इनकी जगह मैंने आईआर यूज किया है, दिस इज योर इंफ्रारेड, माइक फॉर माइक्रोवेव्स एंड रेड फॉर रेडियो वेव्स. ओके, गामा रेज, दिस इज योर गामा रेज, एक्स रेज, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल, विजिबल रेडिएशन और विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव. यहां पे और क्या चीज है इंपॉर्टेंट समझना. सबसे पहली बात कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है. इसकी वेवलेंथ सबसे कम और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा. वेवलेंथ बढ़ रही है और साथ ही साथ एनर्जी घट रही है. वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी. यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? गामा की. तो सबसे ज्यादा एनर्जी या पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी किसकी हो जाएगी? गामा की हो जाएगी. ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखना. ओके, नाउ वन मोर थिंग. अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है, ये मेरी घड़ी हो सकती है, ये पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इस पर अगर हमने सनलाइट डाला, ठीक है, सनलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इस पर अगर हमने सनलाइट डाला या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डाला, ठीक है, सनलाइट नया डाल करके हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही बोल दिया, ईएम वेव्स, तो यहां पे क्या क्या फेनोमेना हो सकते? ये हो सकता है कि वो इसमें से किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले और किसी को भी एमिट कर दे. यानी कि इन्हीं में से किसी को एब्जॉर्व करेगा और एमिट करेगा, ये फेनोमेना होने वाली है. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ने किसी रेडिएशन को एब्जॉर्व किया तो भी इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज आएंगे, और अगर इसने रेडिएशन को एमिट किया तो भी इसमें कुछ चेंज आएंगे. ये बात तो तय है. यानी कि अगर हमने लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें डाला, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या होते हैं? एक्स, गामा, एक्स, यूवी इन माइग्रेट. ठीक है, तो उसके कारण या तो ऑब्जेक्ट एमिशन करेगा या एब्जॉर्प्शन करेगा, या एब्जॉर्ब करने के तुरंत बाद एमिट करेगा. ठीक है, तो ये फेनोमेना एब्जॉर्प्शन और एमिशन के कारण ये एक स्पेक्ट्रा बनाएगा. इसी स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. यानी कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो वो या तो एमिशन के कारण हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन के कारण हो रहा है. यानी जो कुछ भी चेंजिंग आ रही है वो एमिशन या एब्जॉर्प्शन के कारण आएगा, कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है. यानी कि जितनी भी फेनोमेना हम पढ़ते हैं, आप जब मास्टर्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर फेनोमेना में हमें एमिशन और एब्जॉर्प्शन को ही डिटेल में समझना है, उसी के कारण सारे चेंजेज आ रहे हैं. ठीक है, आइदर वो हीट के फॉर्म में हो. ठीक है, आप यहां से समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा. जो हमारा माइक्रोवेव होता है वो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है. जो हमारा रेडियो वेव्स होता है, जितने भी हमारे रेडियो सिग्नल्स वगैरह आते हैं सारे इधर से ही आने वाले हैं. ठीक है, गामा, एक्स, यूवी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल. विजिबल की रेंज तो आपको पता होगी 400 से 700 nm, ठीक है, इसके बीच होती है. तो आपको ये अगर याद हो गया तो यहीं से हमारा बोर्स मॉडल उठता है. ठीक है, और अगर आप मास्टर्स में हो तो आपको इस आईआर का इम्पैक्ट पढ़ना होगा कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर इंफ्रारेड रेडिएशन डाला तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आए, अगर हमने किसी पर यूवी डाला तो उसमें क्या क्या चेंजेज आए. ठीक है, आपको पूरी की पूरी एनएमआर में, स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉट एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूरी की पूरी इस पर चैप्टर्स पढ़नी है कि अगर आईआर डाला तो क्या क्या चेंज आया, देन यूवी डाला तो क्या चेंज आया, सारे रेडिएशंस के क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको पढ़ना है डिटेल में. ठीक है, सो खैर वो बाद की बात है, अभी हम इंटर लेवल पे बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे याद रखोगे कि जो बोर्स आपने मॉडल दिया था, बोर्स ने अपना मॉडल दिया था,
उन्होंने इसी इम्पैक्ट के तहत मॉडल दिया हुआ था, ठीक है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर किसी एटम पे हम रेडिएशन डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में तो क्या क्या चेंजिंग होंगे। वो चेंजिंग या तो एमिशन के फॉर्म में होगी या फिर एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में होगी। और अगर एमिशन हो रही है तो भी इलेक्ट्रॉन्स में चेंजिंग आएंगे, और अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है तो भी इलेक्ट्रॉन्स में चेंजिंग आएंगे। बोर साहब ने बहुत ही क्लियरली बताया कि अगर किसी एटम से कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, यानी उसके हम कोई तरह की एनर्जी नहीं दे रहे, कोई रेडिएशन नहीं दे रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कभी भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होने के लिए जरूरी है कि हम उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी चेंज होगा, और चेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स में तभी एनर्जी में चेंजिंग आएगी। यानी कि दोनों ही फेनोमेना एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसने उन्होंने बोर्स मॉडल में बताया था, ठीक है। तो मैं डिस्कस करती हूँ बोर्स मॉडल को, चलो आगे। तो बोर्स मॉडल में हमने हाइड्रोजन एटम के मॉडल को डिस्कस किया है, और यहां तक पहुंचने से पहले कुछ टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया ताकि सीक्वेंस बनी रहे। जो टॉपिक मैंने स्किप किया उसमें आपके आ जाएंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन और भी छोटे छोटे टॉपिक जो कि बहुत जरूरी था इसको समझना, देन रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, देन एनर्जी जब मूव करता है और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो एनर्जी चेंज को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो आपके फाइव सीरीज होते हैं पीफंड सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, इन सबको मैंने स्किप कर दिया है, वो इस टॉपिक के बाद डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम आते हैं हमारे बोर्स मॉडल पर। तो बोर साहब ने जो बताया था मॉडल वो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लिया। आप इसको सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो। आइदर ये हाइड्रोजन के लिए अप्लाई हो जाएगा या एच ई प्लस इमेजनरी यानी कि हाइपोथेटिकल एच ई प्लस के लिए अप्लाई हो जाएगा या एल आई टू प्लस के लिए अप्लाई हो जाएगा। जहां भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये मॉडल हमारा एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। तो इस मॉडल में पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा, बोर साहब ने कहा कि अगर किसी एटम की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहेंगे और उनमें एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात बोला गया वो ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है सिर्फ तभी एनर्जी में चेंज आएगी, अदरवाइज एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी कि अगर आप एक कमरे में हो तो उस कमरे में जितना भी आप टहलो एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली, लेकिन आप सीढ़ी से या तो नीचे गए या सीढ़ी से या तो ऊपर चढ़कर के आए, यानी कि आप या तो लोअर एनर्जी पे गए या हायर एनर्जी पे गए, यानी कि लोअर सेल में गए या हायर सेल में आए, तभी एनर्जी में चेंज होने वाली है। इसको बोर साहब ने बताया, इसको आप ऐसे समझोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव किया, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव किया, तभी जाकर के एनर्जी में चेंज आएगी। और वो मूवमेंट या तो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट हो सकता है या फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में हो सकता है, ठीक है। दैट केस में एनर्जी में चेंज आने वाली है, अदरवाइज एनर्जी में चेंज नहीं आएगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है यानी कि वहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है, मतलब वहां पर एनर्जी का हायर से लोअर में जा रहा है यानी कि एनर्जी का एमिशन होने वाला है, ठीक है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखोगे आप लोग कि अगर हम लोग हाई ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट जा रहे तो एनर्जी एमिट होगी, और अगर हम लो ऑर्बिट टू हाई ऑर्बिट जा रहे तो एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब होने वाला है, ठीक है। और एक और बात, ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो जंप होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो क्लोजेस्ट सेल में होगा, यानी कि 1s से वो 2s में जा सकता है, 2s से 2p में जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन 1s से उठा और 3p में चला गया, ये मुमकिन नहीं होता। इसके लिए बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट क्लियर हुआ, दोनों पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले कि तीसरा उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। चलो, जो थर्ड पॉइंट बोर साहब ने बताया था उन्होंने एनर्जी चेंज को रिलेट किया था।
जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वहां क्या एनर्जी चेंज होने वाली है, बोर साहब ने इस इक्वेशन से समझाया था। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले। देखो हम कॉमनली जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, हमारा ई इक्वल्स टू होता है एच न्यू। तो अगर यहां से हम न्यू निकालना चाहेंगे दैट इज ई बाई एच। ओके, अब चूंकि हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हैं तो एक लेवल की अपनी कोई एनर्जी होगी, उस लेवल को छोड़ करके हम दूसरे लेवल पे जा रहे हैं तो आइदर ये एमिशन का केस हो गया, एब्जॉर्प्शन का केस होगा, यानी कि आइदर हमारे पास E1 by H and E2 by H में दो ही कंडीशन हो सकते हैं, आइदर E1 by H minus E2 by H होगा और E2 by H minus E1 by H होगा। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख दिए, न्यू इक्वल्स टू डेल्टा E by H, एनर्जी की वैल्यू को। तो तीसरी पॉइंट उन्होंने एनर्जी चेंज के बारे में बताया कि जो एनर्जी चेंज होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट मूव करेगा तो वो किस तरह से होने वाला है। और तीसरी पॉइंट उन्होंने जो बताई थी, उन्होंने बताई थी कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है क्वांटाइज्ड, कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब है कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होता है, एमवीआर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एम ई वी आर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू एच बाई टू पाई वैल्यू होता है, लेकिन चूंकि हम नंबर ऑफ ऑर्बिट में बात करें तो एम एच बाई टू पाई। ठीक है, ये इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रही हूं, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर, चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहां कैलकुलेट करेंगे तो एम वी आर, रोटेशनल वैल्यू के लिए ये वी आर हमने डाला है। ठीक है, नॉर्मल मोमेंटम पी इक्वल्स टू क्या होता है एम बी, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। चूंकि हम यहाँ नॉर्मल मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, रोटेशनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से यहाँ पर वी आर इंक्लूड हो जाएगा जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि होल नंबर मल्टीपल होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एन का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है, जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, ऐसा कभी नहीं होगा कि n का वैल्यू हमने हाफ ले लिया, दिस इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, पौना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, डेढ़ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ढाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमेशा ये होल नंबर मल्टीपल में जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा, बीच में कहीं नहीं लटकेगा, ऐसा नहीं कि पहले ऑर्बिट से मूव किया और बीच में लटक गया जैसे आसमान से गिरे और खजूर पर लटके, वो वाली कहावत इंप्लीमेंट नहीं होगी। एक ऑर्बिट से उठेगा तो वो दूसरे में जाएगा, दूसरे से होगा तो तीसरे में जाएगा या पहले में आएगा, यानी जब भी मूवमेंट होगा हमेशा एक से दूसरे में होगा, डेढ़ ढाई पौना मूवमेंट कभी नहीं होने वाला है। तो दिस इज योर कंप्लीट बोर्स मॉडल। चारों पॉइंट को हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोर्स मॉडल में चार बातें आपको बताई, इन चारों पॉइंट में जो पहला पॉइंट मैंने बताया वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो होते किसी एटम के अराउंड सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं और देर इज नो चेंज इन एनर्जी अनलेस एंड अंटिल इट इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर। सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट इन एन एटम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया गया, बोर साहब ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, सिर्फ और सिर्फ तभी एनर्जी में चेंज आएगी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर, देन ओनली चेंज इन एनर्जी विल टेक प्लेस। वो जंपिंग आइदर लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट हो सकता है या हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट होता है। एक और बात आप याद रखोगे कि ये जो जंपिंग होगी हमेशा लो गैप के साथ होगी, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट फ्लोर से 20th फ्लोर पे कोई जंप कर जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक चलेगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 2s से जंप कर रहा है तो 2s से 2p में जाएगा, 3s से 3p में जाएगा और 2p से 3s में जाएगा। ठीक है, एनर्जी गैप ज्यादा होने पे, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन 2s से उठा और 5p में चला गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जब भी जंपिंग होगी सिक्वेंशियल मेथड में होगी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्लियर। अब ये जो जंपिंग होगी लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट और हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट, अगर हाई से लो में हो रही है तो एमिशन होगी और उस समय जो स्पेक्ट्रा बनता है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। और अगर
लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, और एब्जॉर्प्शन के समय में जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। आगे हम इसमें और भी डिस्कस करेंगे फिंगरप्रिंट रीजन, और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करने वाले कि लाइन स्पेक्ट्रा कब बनता है और कैसे बनता है जब हम स्पेक्ट्रा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बोर साहब ने बताया कि जो एनर्जी चेंज होती है उसका कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू एच न्यू, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंथ नाइन टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू निकालना है तो ई बाई एच। चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है और जिस ऑर्बिट में गए वहां एक एनर्जी आ रही है, तो हमको एनर्जी चेंज निकालनी है, मतलब हमको एक लेवल की एनर्जी को दूसरे लेवल की एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिसको हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ा। चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लो। फिजिक्स में आपको बताया गया कि जो हमारा मोमेंटम होता है पी, दैट इज इक्वल टू एम बी, मास एंड इट्स वेलोसिटी, जिसमें आप ये भी बोलो पढ़ोगे कि गेंद को पकड़ते वक्त हाथ पीछे किया जाता है, तो वो फिजिक्स में डिटेल पढ़ना। यहाँ पे मैंने एंगुलर मोमेंटम की बात की, यानी कि अगर एंगल इन्वॉल्व हो गया, सर्कुलर पाथ इन्वॉल्व हो गया है, तो हमारे मोमेंटम में चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो वहां पर हम रेडियस को टेंजेंट लेकर कैलकुलेट, तो रेडियस को इंक्लूड करें, दैट इज एम वी आर, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि आधा पौना ढाई मोमेंटम कभी नहीं होगा। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एम वी आर इज इक्वल्स टू योर एच बाई टू बाई इंटू एन, एन इज होल नंबर मल्टीपल, दैट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं हाइड्रोजन मॉडल तक ही लिमिट रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, और उसमें भी एनसीईआरटी को ही बेस बना करके डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक। चैनल को देखते रहिए और शेयर करते रहिए।